Hey, assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Great. मैं आप सभी को वेलकम है, स्वागत है, बहुत सारा खुशामद्दीद। तो यहाँ थी मीन्स जो रोज की डेली की जो मैं देती हूँ आफ्टरनून की रोटी, वो ही डाल रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मैं एक नया बिजनेस भी स्टार्ट मीन्स नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करने जा रही हूँ। मीन्स मैंने अपने बिजनेस में अपने मेन्यू में मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि क्या ऐड करना जा रही हूँ मैं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सबको पसंद आएगा, देखना आप लोग ज़रूर। तो लास्ट तक मेरे वीडियोस में बने रहिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं, बहुत सारे मीन्स हर चीज़ मीन्स उनमें अवेलेबल रख रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने भी सोचा कि मेरे भी किचन में कुछ अच्छा होना चाहिए, और रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ान में तो स्पेशल कुछ रहना ही चाहिए। तो मैं उस वजह से ही भी मैं ऐड करना चाह रही हूँ। तो मगर देख सकते हैं वो मेरा बिजनेस मीन्स मेरे मेन्यू में उसके ऑर्डर्स आते सॉरी मेरे क्लाउड किचन में उसके ऑर्डर्स आते हैं या नहीं, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं देने के बाद वो इवनिंग का टाइम हो गया, तो मीन्स बच्चे आ रहे थे घर पे, तो बच्चों के लिए मैंने सोचा अब कस्टमर्स तो आ रहे नहीं बर्गर के, मीन्स ऑर्डर्स तो कोई आ रहे नहीं है बर्गर के, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बना दूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्द से जल्द बच्चों के लिए बर्गर बनाया, और बच्चे भी बहुत खुश होते थे बर्गर खाने के, तो बहुत मन करता उन लोगों का। मेरे हाथ की तो हर चीज़ पसंद आती है बच्चों को, तो यहाँ पर मेरे बच्चे बर्गर बहुत शौक से खाते हैं, और शॉर्मा भी और पिज्ज़ा सैंडविचेस सब ही खाते हैं। तो मैंने सोचा उन लोगों का पेट भी भर जाएगा बर्गर से, स्नैक टाइम उनको कुछ चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसलिए उन लोगों तीनों के लिए बर्गर बना के रेडी रखी। यहाँ मैं बर्गर सिंपल ही बना रही थी मीन्स बच्चों को, मीन्स अब जल्द से जल्द मुझे मीन्स अब वो आलू की टिक्की बनाना मुझे मीन्स बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और बच्चे आलू की टिक्की को अवॉइड भी करते हैं मीन्स ज़्यादा उतना शौक से नहीं खाते, तो मैंने उसमें डाला भी नहीं। सो यहाँ पर मैंने सिंपल से बर्गर बना के दे दिया, वेजी था जो कि वेजी बर्गर था, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने बहुत शौक से भी खा लिया। तो आप लोग भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं ये बर्गर का, मीन्स वेज बर्गर का है जो कि मीन्स 100 रुपीज़ का रहेगा ये, और जो कि आलू टिक्की के साथ रहेंगे तो 120 का रहेगा, और फिर यहाँ पर चिकन बर्गर भी रहेगा 140 का। सो इसलिए मैं थोड़ा सा मीन्स आप लोगों को दिखाने के लिए भी एडवर्टाइज़ करने के लिए भी मीन्स ये वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्गर भी बहुत अच्छे बन गए थे, बच्चे बहुत शौक से खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, मीन्स जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। सो इसकी वजह से आप लोग प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो यहाँ पर मेरे बर्गर भी बन के रेडी है। फ़ोन आ गया था तो फ़ोन रिसीव कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि बर्गर मेरे बन के रेडी है। सो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बने, यमी टेस्टी लगते हैं ये बर्गर। सो आप लोग कभी भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, इसका प्राइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर फिर मुझे रात का टाइम होता है, तो जो 3 रोटी मैं डेली के देती हूँ तो उसके मीन्स प्रिपरेशन कर रही थी मैं। सो जल्द से जल्द मैंने वो भी बनाया, बनाते बनाते फिर मैं सोच ही रही थी कि अल्लाह मुझे मीन्स आज का भी दिन कुछ नहीं आया रोटी मीन्स आज भी ऑर्डर्स नहीं आए कोई भी पिज्ज़ा शर्मा बर्गर कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर ऐसे ही सोचते मैं रोटी डाल रही थी। सो यहाँ पर फिर मेरे बच्चों से मैंने जल्द से जल्द रोटी बनाया और जल्द से जल्द पैक किया और फिर दे भी दी मैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आप रोटी के भी ऑर्डर्स मीन्स जो मंथली का है जो मीन्स डेली चाहिए जिसको रोटी, तो मैं वो भी दे रही हूँ। तो आप लोग मुझे ऐसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को अगर घर नज़दीक है तो करीब है तो मैं बच्चों के हाथ से भेज सकती हूँ, या फिर अगर दूर है तो आप लोगों को खुद आकर ले जाना होगा। सो यहाँ पर मैं जल्द से जल्द मेरे 3 रोटी बन गए। फिर रात का टाइम होता है 9 बजे का टाइम, 9 या 9:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, अगर एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर मुझे आता है पिज्ज़े का ऑर्डर, जी हाँ फाइनली पिज्ज़े का ऑर्डर आ गया। तो मैं वही पिज्ज़ा मीन्स जो आटा तो नहीं था पिज्ज़े का डो भून कर, तो बार बार फ़ोन आ रहे हैं आप, तो कोई नहीं मैं यहाँ पर बताई थी कि मैं पिज्ज़े का डो भी बने हुआ नहीं था, तो मैंने जल्द से जल्द बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट उसको रेस्ट पे रखा, उसके बाद यहाँ पर मैं डो बेस बनाने के लिए खड़ी गई। सो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मैं बना रही हूँ पिज्ज़े का बेस। पिज़्ज़ा ये देती हूँ मैं 120 का, आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए है ये मीन्स 120 का ये मेरा पिज़्ज़ा है जो कि वेज पिज़्ज़ा है।
और मैं चिकन पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ जो कि 200 का है, चिकन पिज़्ज़ा, और पनीर पिज़्ज़ा भी 200 का है, और मार्गरेटा पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं वो भी है 120 का। मार्गरेटा पिज़्ज़ा जो जिसमें सिर्फ चीज़ रहेगा, सॉस चीज़ रहेगा, सो वो भी 120 का है। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेस बन के रेडी है। सो मैंने उसको जल्द से जल्द मीन्स डेकोरेट किया पिज़्ज़े को। सो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा बन रहा है। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं मुझे क्या मीन्स मेन्यू में ऐड करना है मेरे, तो वो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ यार क़ीमे के समोसे। जी हाँ, क़ीमे के समोसे मैं अपने मेन्यू में ऐड करना जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए, ज़रूर सजेस्ट कीजिए, एक कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क़ीमे के समोसे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों के मीन्स सजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं मीन्स हर चीज़ अल्लाह ने कहा है, मशवरे से किए तो बहुत ही बरकत रहेंगी उसमें। सो मशवरा ले रही हूँ मैं आप लोगों से, मेरे व्यूवर्स से, जो मेरे सब्सक्राइबर्स से। सो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब तो कर रहे हैं मगर तो सजेस्ट भी कीजिए कि मुझे क़ीमे के समोसे मेरे क्लाउड किचन में रखना चाहिए या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क़ीमे के समोसे भी बहुत यमी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करके देखिए, फिर मेरे कल से या परसों से मेरा काम स्टार्ट कर दूंगी। मीन्स जो कि क़ीमे के समोसे मैं अपने मेन्यू में ऐड कर लूँगी। अगर आप लोग प्लीज़ मगर मुझे आप लोगों के सजेशन की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरा बिजनेस मीन्स मेरा क्लाउड किचन में क़ीमे के समोसे ऐड कर लूँगी। सो यहाँ पर बातें बातों में मेरे क़ीमे नहीं पिज़्ज़ा भी बनकर रेडी है। सो देख सकते हैं आप लोग कितना यमी, कितना टेस्टी दिख रहा है पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। सो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।